हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल देखिए फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक सुंदर सा खरगोश टोपी का डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है और देखिए लुक वाइज बहुत सुंदर लग रहा है ये देखिए और बैक साइड से इस तरीके का है देखिए पहनने के बाद इसका लुक बहुत सुंदर आता है और देखिए ये बेबी की नेक तक आता है जिससे कि पूरी नेक ढकी रहती है विंटर सीजन के लिए ये बहुत ही वार्म होती है और देखिए बहुत लाइट वेट की और बहुत कम वोल इसमें लगती है ये देखिए इस तरीके की ये बन रेडी हुई है और फ्रेंड्स इस कैप को सिलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है बस आप सिलाइयों से ही इसे बनाएंगे इसे इसमें कहीं पे भी सिलाई नहीं आती है ये देखिए इस तरीके की ये कैप बन के रेडी हुई है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं न देखिए फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए खरगोश टोपी का डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि बहुत ईजी वे में मैं आपको बनाना बताऊँगी काफ़ी व्यूवर्स की डिमांड आ रही थी इस कैप को बनाने के लिए तो मैं आज आपके लिए इस कैप का डिज़ाइन लेके आई हूँ देखिए इस कैप को बनाने के लिए मैंने इसमें सिक्सटी वन फंदे लिए हैं और ये कैप वन ईयर तक के बेबी को आराम से आ जाएगी सिक्सटी वन फंदे डालने के बाद इसमें एक दो तीन चार देखिए फोर यानी कि ये जो फोर लाइंस दिख रही हैं मतलब एट लाइंस का हमने ये इसका बॉर्डर रेडी किया है ठीक है ये धारियाँ आपको दिख रही हैं देखिए एक धारी दो लाइंस में बनती है तो ये हमारी एट रोज़ में बनके रेडी हुआ है ठीक है आप बॉर्डर अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं अब देखिए फ्रेंड्स राइट साइड है बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड है देखिए राइट साइड में हमें क्या करना है ये देखिए साइड में हमें जो इसकी बॉर्डर होगा उसके लिए फंदे रखने हैं तो देखिए एज स्टिच को छोड़ के ये देखिए एक दो तीन चार और पाँच देखिए फ्रेंड्स पांच फंदे मैंने ये बॉर्डर के रखे हैं देखिए एज स्टिच को अगर आप जोड़ेंगे तो ये छह फंदे हैं अब हम क्या करेंगे देखिए बॉर्डर हमारा उल्टा उल्टा है दोनों साइड से लेफ्ट और राइट साइड से उसके बाद साइड में हमने एक दो तीन चार पाँच छः छः फंदे बॉर्डर के लिए रखे हैं और बाकी हम बीच के देखिए सारे फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे राइट साइड से और लास्ट के छः फंदे हम फिर से बॉर्डर के लिए रखेंगे देखिए फ्रेंड्स हमने थर्टी फंदे बुनने हैं और उसके बाद सेंटर में हमें एक जाली निकालनी है क्योंकि सिक्सटी वन फंदे हैं तो दो पार्ट में हम इन्हें डिवाइड करेंगे और जो बॉर्डर है बॉर्डर भी इसमें इंक्लूड है क्योंकि हमारे सिक्सटी वन फंदे हैं तो थर्टी थर्टी फंदे हमने इसमें रखने हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस तेईस अट्ठाईस उनतीस तीस देखिए फ्रेंड्स ये तीस फंदे हमारे हो गए देखिए तीस फंदे हो गए ठीक है हम ये बॉर्डर के फंदे भी इसी में जोड़ेंगे अब हमें क्या करना है धागा आगे करना है तीस फंदे बुनने के बाद धागा आगे करेंगे और ये हमारा सेंटर वाला फंदा है इसे हम इस तरीके से देखिए धागा आगे है यहाँ पे हमारी जाली पड़ेगी और ये देखिए सीधा बुन लेंगे फिर से हम एक जाली डालेंगे और बाकी इधर तीस फंदे हम आ, सीधे बुनेंगे और लास्ट के जो छह फंदे हैं वो हमने बॉर्डर के लिए रखने हैं वो हमने उल्टे बुनने हैं देखिए फ्रेंड्स ये छह फंदे हैं तो ये हम उल्टे बुन लेंगे देखिए बॉर्डर के लिए हम दोनों साइड से छः-छः फंदे रखेंगे देखिए पांच फंदे हमारे उल्टे हैं और ये देखिए एक फंदा स्टिच का है राइट साइड है तो हम इसे सीधा बुन लेंगे ऐसे ये देखिए ये हमारी रो वन कंप्लीट हो गई है अब देखिए फ्रेंड्स बैक साइड है बैक साइड में हमारे क्या होंगे सारे फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे और देखिए फ्रेंड्स साइड में हमें एक चेन भी ज़रूर निकालनी है इस तरीके से ये देखिए ये रो हमें उल्टा उनके ही रेडी करनी है और देखिए जो हमारे बीच में दो फंदे बड़े हैं जाली से उन दो फंदों को भी हमें बुनना है देखिए फ्रेंड्स ये जाले वाला फंदा है तो हमें इसे भी उल्टा बुनना है ऐसे देखिए एक फंदा हमारा इस साइड बढ़ गया और ये हमारा सेंटर वाला फंदा है और एक साइड एक फंदा हमारा इस साइड बढ़ गया मतलब कि हमारी एक रो में दो फंदे बढ़ रहे हैं तो इस तरीके से हमें ये रो कंप्लीट करनी है ये देखिए फ्रेंड्स हमारी बैक रो कंप्लीट हो गई है राइट रो हमारी जैसे हमने रो वन बुनी थी यहाँ पे वैसे ही बुननी है देखिए यहाँ पे हमें एक चेन ज़रूर निकालनी है ऐसे इससे बहुत अच्छा लुक आएगा ये देखिए फिर एक दो तीन चार और पाँच ये पाँच फंदे हमारे बॉर्डर के हैं एज स्टिच को मिला के छः फंदे हैं बाकी बीच के हम फंदे सीधे बुनते हुए जाएंगे और बिल्कुल सेंटर में हमने दो जाली निकालनी है देखिए फ्रेंड्स हमारी देखिए सेंटर वाला फंदा आ गया ये देखिए सेंटर वाले फंदे से पहले हमें इस तरीके से जाली डालनी है देखिए ये एक फंदा यहाँ बढ़ गया ये सेंटर वाला फंदा है इससे पहले हमें एक जाली इस तरीके से धागा आगे करना है हमारी जाली बढ़ जाएगी फिर ये सीधा बुनना है फिर धागा आगे करना है फिर बाकी फंदे सीधे बुनने हैं और लास्ट में हमें बॉर्डर के फंदे उल्टे बुनने हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये अब हमें जाली नज़र आने लगी है देखिए एक जाली है और एक जाली ये ऊपर है दो जाली बन गई है तो ऐसे हमें इसको कंप्लीट करना है देखिए फ्रेंड्स मैं इसे कंप्लीट करके फिर बताती हूँ कि आपको कितनी जाली तक बनाना है और कितने फंदे बढ़ेंगे आपके उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारी कैप की लेंथ कंप्लीट हो गई है ये देखिए जितनी हमें जालियाँ बननी थी वो हमारी बन के रेडी हो गई हैं देखिए यहाँ तक हमारी ट्वेंटी फोर जालियाँ हैं ठीक है ठीके? और हर जाली में हमारे दो दो फंदे बढ़े हैं राइट साइड से हमने फंदे बढ़ाए हैं और दो दो फंदे बढ़े हैं तो देखिए हमारे अभी जितने इस पूरे प्रोजेक्ट पे अभी हमारे फिफ्टी फाइव इस साइड हैं और फिफ्टी फाइव जाली के इस साइड हैं ठीक है तो आप देखिए तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स जो हमारे साइड में ये जो छः फंदे हैं ये फंदों को हमें अलग करना है और जो सेंटर के फंदे हैं यानी कि जाली से बी और जो बॉर्डर के बीच में जो फंदे हैं वो हमारे फोर्टी नाइन फंदे हैं ठीक है तो इन फोर्टी नाइन फंदों को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है तो फोर्टी नाइन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारे एक साइड ट्वेंटी फोर आएंगे और एक साइड हमारे ट्वेंटी फाइव आएंगे फिर हमें इन्हें घटाना है तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है जो ये फंदे हैं साइड वाले इन फंदों को अलग करना है तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स हम कैसे बुनेंगे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जो साइड के बॉर्डर के फंदे हैं देखिए स्टिच फिर धागा आगे करेंगे एक दो तीन चार और पाँच पांच फंदे हमारे पॉडर के हो गए और देखिए चौबीस फंदे बोलेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस और चौबीस देखिए फ्रेंड्स ये हमारे चौबीस फंदे हो गए हैं अब इधर हमारे देखिए जो सेंटर वाला फंदा है इसके यहाँ से दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस देखिए एक साइड हमारे पच्चीस फंदे हैं तो अब हमें क्या करना देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे बैक साइड को ठीक है अब हमें इस इन फंदों की घटाई करनी है तो इसके लिए हमें देखिए यहाँ तक घटाएंगे तो इसके लिए हमें थर्ड सिलाई की ज़रूरत होगी तो देखिए हमने ये थर्ड सिलाई ले ली है अब हमें क्या करना है ये फंदे घटाने हैं देखिए पहले एक फंदा हम बैक सिलाई से लेंगे और एक फंदा हम आगे वाली सिलाई से लेंगे इनका हम दो का एक करेंगे देखिए ये शुरू में ही हमें दो का एक करना है फिर पूरी रो में हमें तीन फंदों का एक फंदा करना है देखिए दो का एक हो गया फिर देखिए फ्रेंड्स ये देखिए जो फंदा हमारा आया है इसे हमें देखिए बैक वाली सिलाई में डालेंगे ऐसे उसके बाद वहाँ से एक फंदा उठाएंगे फिर एक फंदा हम आगे वाली सिलाई से उठाएंगे ये देखिए तीन फंदे हो गए अब ये तीनों का हम एक करेंगे ऐसे और देखिए फ्रेंड्स ज़्यादा ढीले आपको नहीं घटाने इसको आपको ठीक ठाक टाइट घटाने हैं ठीक है फिर भी अच्छे से एक फंदा लेंगे फिर एक आगे से लेंगे इन तीनों का हमें ये देखिए इस तरीके से एक करना है फिर से जो फंदा आएगा इसे बैक सिलाई में डालेंगे वहाँ से एक फंदा लेंगे एक फंदा आगे से और देखिए इस तरीके से तीन का एक करेंगे ये देखिए बहुत इजी तरीके से ये फंदे घट जाते हैं ये देखिए सेम आपको ऐसे ही ये सारे फंदे घटाने हैं ये देखिए तीन का एक करना है ये देखिए इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स ऐसे हम ये सारे फंदे घटा लेंगे देखिए फ्रेंड्स एक साइड के फंदे हमारे घट गए हैं देखिए इस तरीके के दिख रहे हैं अब हमारा ये सेंटर वाला फंदा है और उसके बाद हमें फिर से यहाँ ट्वेंटी फो फोर फंदे बुनने हैं और बाकी फिर ट्वेंटी फाइव एक साइड और जिस तरीके से हमने यहाँ डबल किया था सेम ऐसे ही हमें यहाँ भी डबल करना है तो देखिए मैं ट्वेंटी फोर ये सेंटर वाला फंदा भी हम यहीं ले लेंगे और हम ट्वेंटी फ़ोर फंदे बुन लेंगे देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ट्वेंटी फ़ोर फंदे बुन लिए हैं और यहाँ से देखिए बॉर्डर को छोड़ के यहाँ हमारे ट्वेंटी फ़ाइव हैं तो फिर से हमें क्या करना है ये देखिए इस तरीके से हमें इसे ये देखिए डबल करना है बैक साइड को और देखिए फ़िलहाल हम ये फंदे निकाल लेंगे ऐसे इस सिलाई से हमें ये फंदे जिस तरीके से हमने इधर घटाए थे वैसे ही घटाने है देखिए फ्रेंड्स पहले हमें दो का ही करना है ये देखिए शुरू वाले फंदे को दो का ही करना है ऐसे उसके बाद हमें तीन फंदों का एक करना है देखिए जो फंदा आएगा उसे बैक वाली सिलाई में डालेंगे एक फंदा यहाँ से लेंगे और एक फंदा हम आगे से लेंगे और उसके बाद हमें तीन का एक करना है ऐसे ये देखिए ऐसे ही हमें सारे फंदे घटाने जो फंदा आएगा इसे बैक वाली सिलाई में डालेंगे वहाँ से एक फंदा लेंगे एक फंदा आगे वाली सिलाई से लेंगे और ये देखिए उसके बाद हमें तीन का एक करना है ये देखिए इस तरीके से तो ऐसे ही हमें ये सारे फंदे घटाने हैं तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको ये सारे फंदे घटा के फिर दिखाती हूँ ये देखिए इज़िली ये फंदे हमारे घट जाते हैं और इन्हें आपको टाइट टाइट घटाना है ढीला आपको बिल्कुल नहीं घटाना है इन्हें ठीक है देखिए फ्रेंड्स हमारे सारे फंदे घट गए हैं आप देखिए सेंटर वाला फंदा है इसे भी हम इनके साथ ही इस तरीके से ये देखिए सेंटर वाला फंदा ये है हमारा इसे भी हम इन्हीं के साथ इस तरीके से घटा लेंगे ये देखिए ये हो गया और देखिए फ्रेंड्स अब हमारे ये बॉर्डर के फंदे बचे हैं एक दो तीन चार पाँच छः और देखिए इसे हम फिलहाल इस वाली सिलाई में डालेंगे ऐसे ये देखिए अब हमें क्या करना है देखिए जो हमने बॉर्डर वाले फंदे इस साइड रखे थे ठीक है अब हमें ये फंदे उठाने हैं देखिए फ्रेंड्स ये भी छः फंदे हैं अब हमें इन्हें क्या करना है ये देखिए इस तरीके से कि बैक साइड को हमें इसे फोल्ड करना है ठीक है और उसके बाद फिर से हमें ये फंदों को घटाना है देखिए फ्रेंड्स इन फंदों को हमें कैसे घटाना है मैं आपको बताऊंगी ये देखिए पहले हमें क्या करना है देखिए बैक वाले सिलाई से ये देखिए दो फंदे लेने हैं ये तो हमारा एक फंदा पहले का है ये देखिए दो फंदे हम ऐसे लेंगे यहाँ से ठीक है और दो फंदे हम आगे वाली सिलाई से लेंगे ऐसे ये देखिए ठीक है हमें पांच फंदों का एक करना है पहले ये देखिए इस तरीके से ये देखिए दो का दो निकालेंगे ऐसे फिर दो हम ये तीन हम बैक वाली सिलाई से ऐसे निकालेंगे उसके बाद ये पांच फंदों को हम इस तरीके से गिरा लेंगे फिर से हमें ये देखिए लेफ्ट वाले निडल में डालना है ये देखिए उसके बाद दो फंदे यहाँ से उठाएँगे एक और दो दो फंदे हम यहाँ से उठाएँगे और देखिए इसे टाइट खींचना है हमें ऐसे करके ठीक है फिर इस तरीके से पांच फंदों का एक करना है ऐसे और देखिए फिर ये पांच फंदे हम ऐसे गिराएंगे फिर से ये देखिए जितने भी फंदे होंगे देखिए दो फंदे पीछे हैं और एक फंदा आगे है क्योंकि देखिए उधर हमारा सेंटर वाला फंदा था इसलिए एक फंदा वहाँ ज़्यादा है तो जितने भी हैं आपके फंदे ऐसे आप ले लीजिए ये देखिए इस तरीके से आप ये इन चारों का हम लास्ट में एक कर देंगे जितने भी आपके पास बचेंगे क्योंकि आप कम ज़्यादा भी रख सकते हैं कोई बॉर्डर में तो ये देखिए इस तरीके का हो गया अब देखिए इसे हम ऐसे निकाल के और यहाँ पे हम नोट लगा लेंगे ऐसे ये देखिए इस तरीके से टाइटली हम यहाँ पे नोट लगा लेंगे ऐसे ये देखिए ये देखिए इससे यहाँ पे एक बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी देखिए फ्रेंड्स इस धागे को भी हम कट कर लेंगे और ये देखिए इस तरीके का हमारा ये कैप का डिज़ाइन बनके रेडी हुआ है ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है ये देखिए ये देखिए ये इस तरीके का लुक इसका बन के रेडी हुआ है अब हम इसके फीते रेडी करेंगे तो देखिए कैसे करना है देखिए फ्रेंड्स फ़ीते आप चाहें तो क्रोशिया की हेल्प से भी इसमें लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो बुन के भी बना सकते हैं देखिए जैसे हमने यहाँ उल्टा बुना है तो ये हमारे बॉर्डर के छः फंदे थे तो अब हम यहाँ से छः फंदे उठा लेंगे देखिए बॉर्डर के हिसाब से ही हमें यहाँ से उठाने हैं यहाँ तक हमें उठाने हैं तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल साइड से हम ये देखिए इस तरीके से एक दो तीन चार पाँच और ये ये देखिए छः फंदे हमारे ये उठ गए हैं ये देखिए इसके हिसाब से आप देख लीजिए इस लाइन तक ही आपको ये फंदे उठाने हैं तो ऐसे छः फंदे उठा लीजिए आप और देखिए बैक रो में हमें फिर क्या करना है इस तरीके से ये धागा अटैच कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से ये अभी आप फिनिशिंग से फंदे फिर से उठा लीजिए कम ज्यादा हो रहे हैं तो और देखिए इस इस धागे को भी आप इस तरीके से लपेटते हुए ले जाइएगा ये देखिए दो तीन चार और ये देखिए पाँच और ये छः ये देखिए छः फंदे हमारे यहाँ पे उठ गए हैं ये देखिए ठीक है अब हमें इस इसमें क्या करना है दोनों साइड से लेफ्ट और राइट ये देखिए अभी हमारी राइट साइड आ गई है और देखिए ये बैक साइड से हमने धागा अटैच किया था अब देखिए साइड में हमें एक चेन निकालनी है इस तरीके से देखिए सिंपल आप ऐसे छोड़ दीजिए और ये देखिए बाकी पूरी जो आपको उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट करनी है दोनों साइड से लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी ये देखिए ऐसे ये देखिए छः फंदे हैं देखिए अगर आपको इससे मोटी जो इसकी डोरी चाहिए तो आप एक दो फंदे और उठा सकते है। वरना ये छः फंदे में इनफ है ये देखिए फिर बैक करेंगे और ये देखिए इस तरीके से साइड में एक चेन ज़रूर निकालेगा आप ये देखिए ऐसे बस आपको धा फंदे को बुनना नहीं है निकाल के धागा आगे करके बाकी सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं तो दोनों साइड से आपको ऐसे ही इसे कंप्लीट करना है ये देखिए बहुत इजीली ये बनके रेडी हो जाता है ये देखिए देखिए साइड का वंदा आप ऐसा उठाएँगे इससे चेन बनेगी और ये धागा दा, टाइट करके ये देखिए आगे करके आपको उल्टा उल्टा बुनके के इसे कंप्लीट करना है तो देखिए फ्रेंड्स मैं ये डोरा रेडी करके दोनों साइड का रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स हमारा ये फीता बनके रेडी हो गया है और देखिए मैंने ये फिफ्टी फोर रोज़ है आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं अब देखिए लास्ट में हमें बैक साइड से फंदे घटाने हैं तो देखिए फंदे घटाने के लिए हमें क्या करना है देखिए हमारे छः फंदे हैं तो हम क्या करेंगे देखिए तीन फंदे हम इस तरीके से उल्टे बुनेंगे और तीन फंदे ये देखिए ऐसे बुनेंगे ये हो गया उसके बाद हमारी राइट रो है राइट रो में भी हमें क्या करना है ये दो फंदों का हमें एक करना है तो देखिए इस तरीके से जैसे उल्टा बुनते हैं हम राइट रो में उसी तरीके से बुनेंगे ये देखिए दो का एक कर लेंगे ऐसे और देखिए उसके बाद हमें क्या करना है धागा कट कर लेना है और यहाँ पे नोट लगा लेनी है ऐसे ये देखिए इस तरीके से हम नोट लगा लेंगे और ये एक्स्ट्रा धागा क्रोशिया की हेल्प से हम यहाँ दबा लेंगे देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ये देखिए ऐसे हम हल्के से ये देखिए इसे अंदर ले लेंगे और बाकी फिर एक्स्ट्रा हम जितना भी होगा उसे हम कट कर लेंगे फिर ये देखिए इस तरीके से और जैसे ये एक्स्ट्रा है तो इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे और देखिए अब ये धागा बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा ये देखिए देखिए फ्रेंड्स ये दोनों फ़ीते बन रेडी हो गए हैं ये देखिए देखिए बहुत फिनिशिंग आई है पता भी नहीं लग रहा कि हमने कहाँ से इन्हें जोड़ा है ये देखिए दोनों फीते इस तरीके के हैं और ये हमारी कैप बन के रेडी हो गई है देखिए फ्रेंड्स पहनने के बाद इस कैप का लुक बहुत सुंदर आता है ये देखिए इस तरीके की कैप है आप इसे वन ईयर तक के बेबी को आराम से पहना सकते हैं ये देखिए देखिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये कैप का डिज़ाइन पसंद आया खरगोश टोपी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, थैंक यू